दोस्तों परसों बॉलीवुड की बड़ी दो फिल्में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन रिलीज हो रही हैं। दोनों ही पिक्चर पर फिल्म स्टार की स्टार वैल्यू दांव पर लगी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही फिल्में फिलहाल ट्रोलर्स के बायकॉट का ट्रेंड झेल रही हैं। एक तरफ बायकॉट रक्षाबंधन और दूसरी तरफ बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इसी साल अपनी दो फिल्मों को बुरी तरह से पिटता देखने के बाद लगता है अक्षय कुमार को अक्ल आ गई है, क्योंकि अपनी और आमिर खान की पिक्चर के खिलाफ चल रहे ट्रेंड पर अक्षय कुमार ने क्या बोला है और जो बोला है वो आपको सुनकर मजा आ जाएगा। अक्षय कुमार ने कहा है कि भारत एक आजाद देश है जहां कोई जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्में भारत की अर्थव्यवस्था में मदद करती हैं। हम सबसे ताकतवर और महान देश बनने के किनारे पर खड़े हैं। मैं सभी ट्रोलर्स और आप मीडिया वालों से विनती करता हूं कि इन सब चक्कर में ना पड़े। दोस्तों तो वो अक्षय कुमार जो अपनी फिल्म पृथ्वीराज रिलीज होने पर लोगों को इतिहास का ज्ञान दे रहे थे, वो आज मान रहे हैं कि एजेंडा चाहे किसी भी फिल्म के खिलाफ ही क्यों ना हो, नुकसान हमेशा देश को ही पहुँचता है। दोस्तों अक्षय कुमार का अपनी और आमिर खान की पिक्चर के समर्थन में बोलना यह भी दिखाता है कि देर से ही सही अक्षय कुमार को समझ तो आ गया कि ये जो ट्रोलर्स हैं ये दूसरों का नुकसान पहुंचाते पहुंचाते खुद के भी पर कतर देते हैं। दोस्तों अक्षय कुमार का ट्रोलर्स को यह जवाब यह दिखाता है कि एक ना एक दिन आपको गलत के खिलाफ अपनी जुबान खोलनी ही पड़ती है। यह वही अक्षय कुमार हैं जो खुद को प्राउड पंजाबी बताने का एक मौका नहीं छोड़ते, लेकिन किसान आंदोलन और किसानों की शहादत पर चू तक नहीं करी। दोस्तों आप अक्षय कुमार के ट्रोलर्स को दिए गए इस जवाब पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।